दो गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव घर घर गली गली सभी जल्दी से जल्दी सामान्य जीवन में वापस जाए। मुझे लगता है कि आप सब भी उतने ही वाकिफ हैं जितने हम लोग वाकिफ हैं। जरूरत क्यों पड़ी आप सब को यहां आग्रह पूर्वक बुलाने की? हमारी एक सीमाएं है, हम लोगों तक हमारी बात पहुंचे इसके प्रति हम आश्वस्त नहीं, और इसलिए हम सबने आपसे निवेदन किया, आग्रह किया कि अगर ये बात आप आवाम तक ले जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग समझेंगे। और मैं आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करना चाहता हूं कि यह संकट का समय और इसमें आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। सरकारी तंत्र अपना काम कर रहा है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। कल जम्मू कश्मीर के सभी विशेषज्ञ डॉक्टर से उनसे हमने बात की थी, सभी डीसी से हमने बात किया था। प्रशासनिक तंत्र पूरी शक्ति लगा करके पूरी ताकत से कोविड के खिलाफ लड़ाई को ठीक ढंग से लड़ा जाए इसकी कोशिश कर रहा है। मेरी इल्तजा होगी आप सबसे कि अधिक से अधिक लोग, अभी पिछले दिनों मैं कुछ जगह गया था, एक दिन चरारे शरीफ से मैं लौट रहा था, एक बाजार थी, मैंने देखा कि बहुत कम लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे। जब मैंने जिलाधिकारी से, डीसी से, एसपी से या बाकी अफसरान से पूछा तो लोगों ने कहा कि अब परसेंटेज बढ़ा है लेकिन अभी भी बड़ी संख्या है जो इसका इस्तेमाल नहीं कर रही। तीन चार बातें प्रमुख रूप से बताई गई हैं, दोहराने की जरूरत मैं समझता नहीं हूं, लेकिन मास्क लगाना, सामाजिक दूरी का, दो गज की दूरी का पालन करना, सफाई रखना, पौष्टिक भोजन करना और आयुर्वेद और यूनान में जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उनका पालन करना इस युद्ध में मुझे लगता है कि सबसे कारगर हथियार होगा। हमें बचना भी है और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना भी है। हम आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब हम खुद बचेंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, अपने दोस्त मित्रों को बचाएंगे, तभी हम अब खुद भी आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर को भी आगे बढ़ाएंगे। तो शायद कोविड-19 की लड़ाई में अब तक जम्मू कश्मीर बचा हुआ है काफी हद तक। हमारी क्षमता भी सीमित है, अस्पतालों की संख्या सीमित है। हम लाख कोशिश करें तो महीने, दो महीने, तीन महीने में सुपर स्पेशलिटी के अस्पताल नहीं बना सकते। और इसलिए जो बात डॉक्टर पाल कह रहे थे कि ये जो बचाव है वो हमको भी बचाएगा और मुझे लगता है कि हमारे परिवार परिजनों को, यहाँ के निवासियों को भी सुरक्षित जीवन देने में मदद करेगा।